की जौजियत अदा कर सकता है और किस वक्त नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत पर एहसान फरमाया, शुरू में रमजान की रातों में भी अपनी बीवी के पास जाना मना था, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने उम्मत पर एहसान फरमाया और कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरत बकरा की आयत नंबर 186 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि अब तुम्हारे लिए हलाल करार दिया गया है कि तुम रमजान की रातों में अपनी बीवी के पास जाओ। हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनके लिए लिबास हो। इस आया मुबारक के बाद अब रमजानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी किसी वक्त भी इंसान कर सकता है। अल्लाह पाक ने इसका बिल्कुल इजाजत अता फरमाई है। रमजान के दिनों में ये मामला नहीं हो सकता, और अगर रोजा है और रोजे की हालत में खुदा ना खास्ता अपनी बीवी के साथ इंसान ने हम बिस्तरी कर ली तो इससे रोजे का कफारा लाजम आ जाएगा। वो कफारा क्या है कि या तो पै दर पै 2 माह के रोजे रखेगा, या 60 मस्कीनों को खाना खिलाएगा, या एक गुलाम आजाद करेगा। तो ये इंसान ने अल्लाह पाक ने उम्मत पर एहसान फरमाया है कि उनको अपनी बीवी के पास रमजानुल मुबारक में जाने की कुरान मजीद बुरहान रशीद के जरिए इजाजत अदा फरमाई है कि रात के वक्त इंसान किसी भी वक्त अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है, मना नहीं है, लेकिन दिन के वक्त नहीं कर सकता। और अगर रोजे की हालत में है तो फिर तो बिल्कुल ही, अगर ऐसा मामला हो गया तो उसके उसकी वजह से कफारा लाजम आ जाएगा।